बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू चिकन के सीख कबाब। आप इसे आलू चिकन के कबाब भी बोल सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार और कम मसालों से बनके तैयार होते हैं। ये बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। तो चले आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है इसको ज़रूर प्रेस किया करें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे पहले से, अब मैं इसको मैश कर लूँगी फोक की मदद से। आप चाहें तो इसको आलू मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह मैं सारे आलूओं को मैश कर लूँगी और यहाँ पे मैंने सारे आलू मैश कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे बॉयल चिकन ली थी, दो ब्रेस्ट के पीस लिए थे, इसको मैं चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी। हमें इसके रेशे नहीं बनाने, हमें इसको बारीक पीसना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको चॉपर में डाल के पीस लिया था। अब मैं इसको आलूओं के अंदर शामिल कर दूँगी। अब जिस चॉपर में मैंने चिकन को चॉप किया था उसी में मैं प्याज, हरी मिर्ची और आधी शिमला मिर्च डाल दूंगी। हरी मिर्ची मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने हरा धनिया और पुदीना डाला है। इन सब चीज़ों को चॉप कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पे चॉप हो चुका है। अब मैं ये सब चीज़ें आलू और चिकन के मिक्सचर में डाल दूँगी और इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और चाट मसाला डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें बस यही मसाले जाते हैं और हमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारा मिक्सचर रेडी है। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिए हैं, इस तरह की स्टिक ली है। अब मैं इसको स्टिक पर लगा लूँगी और इनको सीख कबाब की शक्ल दे दूँगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक बॉल तैयार किया है, इसको मैं स्टिक पर लगा दूँगी और इसको फिंगर की मदद से प्रेस करूंगी और इसको एक सीख कबाब की शक्ल दे दूंगी। आप चाहें तो आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने सीख कबाब की शक्ल में बना लिया है। इसी तरह मैं सारे बना के तैयार कर लूंगी। ये देखें, यहाँ पे सारे बन चुके हैं। अब मैं इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं यहाँ पे कबाब को फ्राई करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक अंडा लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने बिग साइज़ का अंडा लिया है। अगर आपके पास स्मॉल हो तो आप दो अंडे ले सकते हैं। तो मैं इन अंडों को फेंट लूँगी अच्छे से और अब मैं एक कबाब उठा के फोक की मदद से कबाब के ऊपर अंडा लगाऊंगी और उसको ब्रेड क्रम्स में रोल करूंगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं और जो एक्स्ट्रा है वो मैं इसको इस तरह झाड़ लूंगी। इसी तरह मैं सारे कर लूंगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने सारे लगा लिए हैं। अब मैंने एक तवे पे ऑयल डाला है, इसको मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गरम किया है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं किया। ये देखें, यहाँ पे हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं एक साइड से। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं, हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी। ये देखें, कितने मज़ेदार हमारे कबाब बनके तैयार हुए हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।